वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूँ सरबी और आज का हमारा टॉपिक है पमेलियन वर्सेस शिट्ज़ू। आज के हम इस टॉपिक में बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करने वाले हैं शिट्ज़ू या पमेलियन को, बल्कि हम ये जानने वाले हैं कि आपके हिसाब से, आपके लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से शिट्ज़ू ज़्यादा बेटर रहेगा या पमेलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें शिट्ज़ू के ग्रूमिंग नीड्स के बारे में, तो शिट्ज़ू का डबल लेयर स्ट्रेट कोट होता है और ये काफ़ी लॉन्ग कोट होता है। कोट जो होता है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिमिंग की, कटिंग की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इनको शो कोट में रखना चाहते हैं, जिसको हम लॉन्ग कोट भी कहते हैं, तो उसमें आपको इनको रेगुलर ब्रश करना पड़ेगा। और कई बार इनके लिए आपको ग्रूमर के पास भी प्रोफेशनल जाना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम प्रॉपरली इनको ग्रूम करना आए, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ग्रूमर की हेल्प कई बार लेनी भी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्हें पपी कट में रखना चाहते हैं या टेडी बियर कट में रखना चाहते हैं, जो कि शॉर्ट कोट को हम बोलते हैं, तो फिर ये काफ़ी ईजी टू मेंटेन है। बस ध्यान रखें कि इनके रेगुलर आईज या फिर जो पॉज के नीचे के हेयर्स होते हैं उनको क्लीन करते रहें। क्या जो कोट होता है वो हाइपो एलर्जिक कोट होता है, यानी कि इनके हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत थोड़ा सा ही होता है। जो सीजनल हेयर फॉल वगैरह होता है बाकी डॉग्स में बहुत ज़्यादा, वैसा भी कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको कोई डॉग से एलर्जी है, डॉग के हेयर से, तो वो सब होने का इसमें बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ही कम हेयर फॉल होगा। तो अगर आप शिट्ज़ू पालना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप उसको लॉन्ग कोट में रखेंगे तो इनकी ग्रूमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इवन इनका जो पपी कट है उसके अंदर भी रेगुलर ग्रूमिंग का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि इनका कोट जो होता है वो ग्रो करता रहता है, जैसे कि ह्यूमन हेयर्स होते हैं। तो अगर आप उसे ठीक से क्लीन नहीं करेंगे, उसको रेगुलर कॉम नहीं करेंगे, तो उसमें इजीली टैंगल्स और मैट्स पड़ने के चांस रहेंगे, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और टिक्स वगैरह भी आ सकती हैं, और टिक्स वगैरह से टिक्स फीवर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सेंसिटिव एरियाज को क्लीन करते रहें। बात करें पोमेलियन के ग्रूमिंग नीड्स के बारे में, तो इनका भी डबल लेयर फ्लफी कोट होता है और ये देखने में काफ़ी टेडी बियर टाइप के लगते हैं। जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं वैसे वैसे इनका कोट और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। इवन आप इनके पपीज़ भी देखेंगे तो इनका कोट इतना ज़्यादा होता है कि इनके ईयर्स भी कोट के अंदर दिखाई नहीं देते और इनको एक टेडी बियर टाइप लुक देते हैं। तो इनका कोट बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको ग्रूमिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका, जैसे मैंने बताया, डबल लेयर कोट होता है, तो उसमें टैंगल्स और मैट बहुत ईजिली पड़ जाते हैं और टिक्स वगैरह ना आए, क्योंकि इनका भी डबल लेयर कोट है तो ईजिली टिक्स वगैरह आ सकती हैं। पर हाँ, इनको प्रोफेशनल ग्रूमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इनको रेगुलर ग्रूमिंग वगैरह करते रहेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ ये सीजनल शेड होते हैं, यानी साल में दो बार शेड होते हैं सभी डॉग्स की तरह, तो उस टाइम अगर आप इनकी रेगुलर ग्रूमिंग करते रहेंगे, यानी डेली ब्रशिंग वगैरह करते रहेंगे, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग नहीं करते तो हो सकता है हर जगह आपको बाली बाल दिखाई दें छोटे छोटे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप ग्रूमिंग करते रहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ आप इनको पपी कट में भी रख सकते हैं, जैसे मैंने शिट्ज़ू में बताया, वैसे पोमेरियन का भी पपी कट होता है, जो इनको बहुत ही क्यूट सा बियर टाइप एक लुक देता है और वो काफ़ी इजी टू मेंटेन होता है। बात करें इनके साइज़ की, तो दोनों ही टॉय ग्रुप साइज़ में आते हैं और दोनों का ही वेट जो होता है अंडर 10 kg होता है। शिट्ज़ू जो होता है वो 4 से लेकर 7 kg का होता है, और पोमेलियन जो होता है वो 1.9 से लेके 3.5 kg, यानी या फिर 4 kg तक हो सकता है। बात करें दोनों के हेल्थ केयर के बारे में, तो शिट्ज़ू के अंदर थोड़ी बहुत आईज की प्रॉब्लम या हिप डिप्लेशिया की प्रॉब्लम और एलर्जीज की प्रॉब्लम देखी गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि एक स्मॉल ब्रीड है, तो इनमें डेंटल प्रॉब्लम होना भी काफ़ी कॉमन बात है, क्योंकि अगर आप स्मॉल ब्रीड को बहुत ज़्यादा हार्ड फूड देंगे जो कि वो ठीक से नहीं चबा पाएंगे, तो उनमें डेंटल इशू आ सकते हैं। और उसके साथ साथ इनके अंदर ब्रीथिंग इशू की भी प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि इनका जो फेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है, तो इसको ब्रीथ करने में कई बार थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर ह्यूमिडिटी में या फिर विंटर के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इनके किडनी में भी इशू आ सकता है, स्पेशली अगर 5 साल से बड़ा डॉग है और कभी भी उसका चेकअप वगैरह ढंग से नहीं हुआ है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये पानी वगैरह टाइम से पीते रहें। और क्योंकि स्मॉल डॉग है, तो स्मॉल डॉग के अंदर लो बीपी होने की, यानी ब्लड शुगर लेवल लो होने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, तो ठंड से इनको थोड़ा बचा के रखना चाहिए, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि जब मैं बोलती हूँ कि इस ब्रीड के अंदर ये हेल्थ प्रॉब्लम देखी गई है, तो मेरा मतलब ये नहीं होता है कि हर शिट्ज़ू के अंदर यही प्रॉब्लम है। मेरा मतलब होता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉमन है इस ब्रीड के अंदर, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी शिट्ज़ू लेगा उसमें सब में यही प्रॉब्लम होगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने शिट्ज़ू का, जब वो पपी है तो उसको रेगुलर वेट चेकअप कराते रहेंगे,
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाएगी और ठीक हो सकती है। बात करें पोमेलियन की हेल्थ की, तो जैसे शिट्ज़ू है वैसे ये भी एक स्मॉल डॉग ब्रीड है, तो इनके अंदर भी थोड़ा आइज प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, हिप डिप्लेशिया की प्रॉब्लम और ट्रैकिया की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देखी गई है, और वही कॉमन एलर्जीज़ की प्रॉब्लम, तो इसका भी ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, क्योंकि ये छोटी ब्रीड है तो इनके साथ बहुत ही ईजिली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार ये ओवर एग्जर्शन की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है और उसको आपने ज़्यादा ही घुमा दिया, जिसकी वजह से भी कई बार जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो इस सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पपी लेते हैं, स्पेशली स्मॉल डॉग ब्रीड, क्योंकि वो थोड़े नाजुक से होते हैं, तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप उनको गोद में लेके जा रहे हैं और वो ऊपर से कूद गए और उनको फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या फिर गलती से आपके पैर के नीचे आ गए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि छोटे ब्रीड से किस तरीके से खेलना है, क्योंकि वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, ईजिली उनको चोट वगैरह लग सकती है। और जब भी आप पपी लेते हैं, खासकर स्मॉल डॉग ब्रीड, मैं फिर से कहूँगी, तो अपने वेट से ज़रूर पूछें कि उसको कितनी देर वॉक करानी है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा वॉक कराने भी ले जाते हैं, आधा घंटा एक घंटा, और हमारा पपी भी बहुत ज़्यादा खुशी में वॉक करता रहता है, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लमें बाद में क्रिएट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अपने पोमेलियन के साथ, या शिट्ज़ू के साथ, या जो भी स्मॉल डॉग ब्रीड आपके पास है उसके साथ। तो अब बात कर लेते हैं शिट्ज़ू और पोमेलियन के बिहेवियर और ट्रेनिंग के बारे में। बात करें शिट्ज़ू के ट्रेनिंग और बिहेवियर की, तो शिट्ज़ू जो होता है काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी लविंग डॉग है और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला डॉग है, हर समय खुश ही रहता है वो, उसको चोट लगी हो, बीमार हो, तो भी बेचारा थोड़ा बहुत खुश हो ही जाएगा। तो शिट्ज़ू हैप्पी रहता है, बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे से रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। आप घर में हो, आपको बाहर घूमने जाना है, आप ऑफिस जाते हो, जैसे भी आपकी लिविंग है, शिट्ज़ू उसके हिसाब से ढल जाते हैं बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से रहते हैं। आपके घर में दूसरे पेट्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कुछ भी है, शिट्ज़ू बहुत आराम से सबके साथ रहेगा। शिट्ज़ू बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है और ये स्ट्रेंजर्स के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप एक गार्ड डॉग देख रहे हैं या वॉच डॉग देख रहे हैं, तो फिर शिट्ज़ू आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शिट्ज़ू को सबसे दोस्ती करना पसंद होता है। शिट्ज़ू की ट्रेनिंग की बात करें तो शिट्ज़ू काफ़ी ईजी टू ट्रेन है वैसे तो, लेकिन कई बार ये थोड़े से मूडी भी हो जाते हैं। बात करें पोमेलियन के बारे में, तो पोमेलियन भी काफ़ी ईजी टू ट्रेन होते हैं, इनको ट्रेनिंग करना एक्चुअली अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डॉग होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनके बिहेवियर की बात करें तो हैप्पी भी होते हैं, ये काफ़ी एक्टिव भी काफ़ी होते हैं, ये अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी एक्टिव होते हैं, इनको बार्किंग करना बहुत पसंद होता है, थोड़े से गार्ड डॉग टाइप होते हैं, पर क्योंकि इनका साइज़ इतना स्मॉल है तो हम गार्ड की जगह इन्हें वॉच डॉग कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आधी रात को भी आपके घर में कोई सामान गिरेगा तो ये आपको भौंक के अलर्ट कर देंगे, चाहे कोई छोटा सा चूहा हो या कोई स्ट्रेंजर हो, ये सबको आपको भौंक के अलर्ट करेंगे कुछ भी नया देखेंगे। तो ये स्ट्रेंजर से फ्रेंडली नहीं होते हैं, और कई बार ये पेट्स से भी फ्रेंडली नहीं होते हैं आपके घर में, अगर कोई दूसरा पेट है तो ये उससे भी थोड़े से थोड़ा रिजर्व रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इनको टाइम से सोशलाइज नहीं कराएंगे तो इनके अंदर एग्रेशन आ सकता है, और इनके अंदर एग्रेशन देखा भी गया है जर्नली, और एग्रेशन जो होता है कई बार फियर भी होता है। मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि इनसिक्योरिटी भी कई बार एग्रेशन का रूप ले लेती है, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, हमारे डॉग किसी चीज़ से डरते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरा डॉग हमारे पास ना आए, तो वो उसको डराने के लिए भी बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, जिससे कि वो दूसरा जो डॉग है या दूसरा इंसान है हमसे दूर ही रहे। तो इनके अंदर ये जो बिहेवियर पैटर्न है थोड़ा सा एग्रेशन आ जाने का, इस चीज़ पे हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ डेवलप नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव होता जा रहा है, जैसे कि अगर वो अपनी चीज़ें अपने आपके घर में अगर कोई दूसरा डॉग है उसके साथ शेयर करना नहीं पसंद कर रहा, तो इस बारे में अपने ट्रेनर से या डॉग बिहेवियरिस्ट से या फिर अपने वेट से ज़रूर बात करें कि क्या करना चाहिए अगर आपको एग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि उसकी शुरू से ही आप केयर करेंगे तभी वो प्रॉपरली ठीक होगा। तो ओवरऑल बात करें तो शिट्ज़ू जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं पॉम के मुकाबले। पॉम जो होते हैं वो थोड़े से गार्ड डॉग टाइप होते हैं, वॉच डॉग होते हैं, और स्ट्रेंजर्स को लेके वो फ्रेंडली नहीं होते। तो अगर आपको एक गार्ड डॉग चाहिए छोटे साइज में, तो आपके लिए पॉम ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे अगर आपको ऐसा पपी चाहिए जो थोड़ा फ्रेंडली हो, बच्चों के साथ भी फ्रेंडली रहे, सीनियर सिटीजन्स के साथ भी अच्छे से रहे। अब सीनियर सिटीजन्स का मतलब मेरा मतलब ये है उनके साथ अच्छे से रहने का,
कि बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हो कि अगर मान लीजिए आप एक आधा दिन उसे घुमाने फिराने नहीं ले गए, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, तो ये आपको खुश भी रखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है और बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस भी नहीं है। अगर आप थोड़े कम एक्टिव हैं तो भी आपके लिए ठीक डॉग है और काफ़ी खुश रहते हैं ये हर समय। ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो गए या परेशान हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों के हेल्थ केयर की बात करें तो दोनों का सेम ही है एक तरीके से, जनरली हेल्दी हैं लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें हैं, जो अगर आप टाइम से वैक्सीनेशन करवाते हैं डॉग को, टाइम से उसको चेकअप कराते रहते हैं तो वो भी नहीं होंगी, और अगर होंगी भी तो अर्ली स्टेज पे ठीक हो सकती हैं। अगर इनके ट्रेनिंग की बात की जाए तो दोनों ही ट्रेनिंग में काफ़ी ईजी हैं, दोनों ही अपार्टमेंट फ्रेंडली हैं, दोनों ही ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं, और दोनों ही जैसे मैंने बताया काफ़ी फ्रेंडली हैं सबके साथ ही, लेकिन फॉर्म का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिहेवियर में ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको पहली बार आप पेरेंट बन रहे हैं और अगर आपको एक ऐसा पपी चाहिए जो काफ़ी फ्रेंडली हो, बहुत अच्छे से सबके साथ रहे और बार्किंग वगैरह आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर आपके नेबर्स हैं उनको ज़्यादा वांझे पसंद नहीं है, तो शिट्ज़ू आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपको एक गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए और आपके आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई थोड़ा बार्किंग वगैरह की आवाज़ आए, तो पॉम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, दोनों के अंदर थोड़ा बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दिखी गई है, लेकिन ये सभी डॉग्स के अंदर नहीं होता है। तो लगता है कि अगर आपके डॉग के अंदर थोड़ा बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, जिस बारे में आप अपने वेट से बात कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा ट्रेनर बता सकते हैं डॉग का, या डॉग बिहेवियरिस्ट बता सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो ये बहुत ईजिली ट्रीट हो सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में इसको नोटिस करें तो ये बहुत आसानी से केयर इसकी की जा सकती है और ये रिजॉल्व भी हो सकता है सेपरेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम। और जैसे मैंने बोला, ये सभी डॉग्स में नहीं है, अदरवाइज दोनों ही लो मेंटेनेंस है। शिट्ज़ू का जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रूमिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपके शिट्ज़ू के थोड़े लॉन्ग हेयर रहें तो, अदरवाइज इतनी कोई बात नहीं है। फिर भी आपको शिट्ज़ू के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाना पड़ सकता है, लेकिन पॉम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉम के बाल जो होते हैं वो शेड करते हैं, अगर आपको शेडिंग वगैरह से थोड़ी बहुत शेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पॉम ज़्यादा बेटर है। वहीं पे अगर आपको एक हाइपो एलर्जिक डॉग चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत आप ग्रूमर का खर्चा एक्सपेंस उठा सकते हैं, तो फिर शिट्ज़ू आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो शिट्ज़ू वर्सेस पोमेलियन के बारे में। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी, और ये कोई कंपैरिजन की वीडियो नहीं थी, इसमें बस यही समझाया गया है कि आपके लिए कौन सा डॉग सूटेबल है आपकी लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि सारे डॉग जो होते हैं अपने आप में यूनिक होते हैं, सब अच्छे होते हैं, चाहे वो ब्रीड के हों, नॉन ब्रीड के हों, या कोई भी डॉग हो। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।